केएल राहुल ये एक मिस्ट्री बन गया है, क्योंकि जब T20 में उनके फेलियर्स को लेके कहा जाता है, T20 में आपने केएल राहुल को ब्लेम कर दिया, उनकी एब्सेंस में भी आपकी टीम हारी। आज भी देखो ना, अभी भी मिस्ट्री बनी हुई है। राहुल द्रविड़ साहब ने आज क्या कहा, चार को फिर वो बताएंगे हाँ। आगे क्या होगा राहुल, उनके दो सिमुलेशन मैच और खेलने के राहुल को भी। अरे भाई खेल रहा है सारे मैच। क्लियर सवाल तो ये उठता है ना कि अगर आपको पहले से पता था केएल राहुल फिट नहीं है, तो फिर आपका ये प्लान कहाँ से बना कि आपने एशिया कप का जो स्क्वाड आया उसमें केएल राहुल को रख दिया, नाम दे दिया आपने, और आपको नहीं पता कि आपका खिलाड़ी फिट है या फिर नहीं है। अभी भी आपने बड़े मैच में भारत पाकिस्तान का मुकाबला, वहां पे तो आप ऐसे प्लेयर को लेकर आएंगे ना कि जो पूरा टूर्नामेंट खेल सके। आप एक चोटिल खिलाड़ी को लेकर आ रहे हैं, आपके लिए सिर्फ भारत पाकिस्तान का मुकाबला बड़ा मुकाबला नहीं है, बाकी के आप देखें ना, अफगानिस्तान देखें, श्रीलंका देखें, ये टीमें कम है क्या? ये भी बहुत अच्छा खेलती है, और देखने टीम इंडिया को ये कंपटीशन वहां पे और ज्यादा टफ मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है, जब आज पीसी में राहुल द्रविड़ से जब सवाल पूछा गया तो द्रविड़ साहब वहां एक्सपेरिमेंटेशन शब्द पे बहुत गुस्सा हो गए। कहते हैं कि एक्सपेरिमेंटेशन शब्द का पिछले 1.5 साल से बहुत जिक्र किया गया, जबकि हमारा नंबर 4 और 5 डेढ़ साल पहले फिक्स हो गया था। हाँ जी, तो जब उनका कहना था 1.5 साल पहले फिक्स हो गया, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत और केएल राहुल हमारे फिक्स थे, लेकिन ये इंजर्ड हो गए। तो राहुल ये भी कहा द्रविड़ ने कि ऐसा लगता है कि जैसे हमें नहीं पता कि 4-5 पे कौन खेलेगा। द्रविड़ साहब सच बताऊं, आज भी आपको नहीं पता है कौन खेलेगा, आप खुद कंफ्यूज हो। बिल्कुल सही। तो रोहित भैया भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी सवाल जवाब करेंगे, पूछेंगे उन्हें क्या लगता है। तो रोहित भैया, राहुल द्रविड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, बता दिया भाई केएल राहुल आपके 2 मैच नहीं खेलेंगे, नेपाल और आपके पाकिस्तान के अगेंस्ट। और इसका पहले दिन पता चल गया जब उन्होंने विकेट कीपिंग स्टार्ट करी, वो हमने हल्के हल्के ड्रिल्स उनकी देखी कि भाई ये बंदा फिट नहीं है आपका, ये एशिया कप भी जाएगा। मैं अब भी कह रहा हूँ कि एशिया कप मुश्किल है कि केएल राहुल आपको एशिया कप खेलते हुए नजर आए। तो पीसी पर भी आपसे पूछेंगे, पीसी पर भी आप बताना अपनी राय, आपको पीसी में सवालों के जवाब मिल पाए। और दूसरी बात कि अगर केएल राहुल नहीं खेलते तो फिर ईशान या संजू कौन खेलेगा? नहीं खेलेंगे तो मेरे हिसाब से ईशान किशन ही। ये आप रोहित शर्मा की बातों से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता लगा सकते थे, जितना उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी शब्द का इस्तेमाल किया था वो सुनकर यही लग रहा था कि भाई कुछ ऐसा करना चाह रही है टीम इंडिया जिससे थोड़ा सा ईशान किशन को भी मौका दिया जा सके वहां पर। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, टॉप 4 है आपका, वो बिल्कुल वैसा ही रहने वाला है जैसा है, ना ईशान ऊपर आएंगे ना रोहित नीचे जाएंगे, 1, 2, 3, 4 आपका एग्जैक्टली वही रहेगा जो होगा। आपकी कुछ चीजें बदलेंगी तो वो 5, 6, 7 में बदलेंगी। अब आप 7 पर ईशान को खिलाना चाहते हो, 6 पर खिलाना चाहते हो या 5 पर खिलाना चाहते हो, ये फैसला आपको करना है, क्योंकि लेकिन भैया वो आपके लिए बेस्ट कहां पर होंगे। रोहित भैया एक चीज की तो श्योरिटी थी ना, जब आप श्रेयस की फिटनेस को लेकर आप श्योर हो गए थे, तो मतलब ये तो एक नो ब्रेनर था कि आपको संजू सैमसन को स्क्वाड में रखना चाहिए था। लेकिन जैसे हमने पाकिस्तान को भी देखा कि भाई दे रहा है दुरुस्त है, उन्होंने 100 शेड्यूल को फिर भी इवेंट से पहले कर लिया क्योंकि आपने परफेक्ट कॉम्बिनेशन देख लिया। तो इंडिया को ये क्या करने से रोक रहा है कि आप संजू सैमसन को ड्राफ्ट करो शिफ्ट स्क्वाड में और तिलक को बाहर कर दो? नहीं, क्योंकि उन्हें शायद ये लग रहा है ना कि अब आप सब कुछ वर्ल्ड कप को लेकर के सोच रहे हो, आप एशिया कप को लेकर के अब सोच ही नहीं रहे हो। आपको ये लग रहा है कि भाई अगर केएल राहुल फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम हमारे लिए फिर इंजर्ड हो जाता है, क्योंकि केएल राहुल को देखकर अभी बिल्कुल उस तरीके से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। शायद राहुल द्रविड़ ने अभी जो बात कही है उसको आप जब वो श्रीलंका आएंगे और केएल जब जितना मुझे पता चला शायद केएल अभी ट्रैवल भी नहीं करेंगे स्क्वाड के साथ, वो जब श्रीलंका आएंगे तब आपको देखना है कि किस तरीके से यहाँ पर जो है वो उस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं या कीपिंग को लेकर के, क्योंकि बैटिंग में वो फिर भी फिट लग रहे हैं। आज जो प्रैक्टिस हुई है उसमें उन्होंने स्वीप्स भी मारे हैं और स्वीप मारने के लिए आपको पता है आपका जो लोअर बॉडी है उस पर कितना ज्यादा जोर पड़ता है, तो कहीं ना कहीं अगर वो रिस्क ले रहे हैं तो इसका मतलब बैटिंग वाइज इज कम्प्लीटली फिट, बट विकेट कीपिंग वाइज वो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और इसीलिए हम लगातार रिपोर्ट भी कर रहे थे, बार बार बता भी रहे थे कि केएल राहुल की विकेट कीपिंग ड्रिल्स देखकर ऐसा लगता है कि वो शायद अवेलेबल ना हो। आज सुबह भी जो मैंने वीडियो किया है उसमें भी मैंने यही कहा कि कोई चमत्कार ही होगा तो आप उम्मीद कर सकते हो कि केएल राहुल जो है आपको शुरुआती मैच के लिए, मैंने हालांकि एक मैच का जिक्र किया था लेकिन वो बहुत स्वाभाविक है, अगर आप 2 तारीख का मैच नहीं खेल पाओगे तो आप 4 तारीख का मैच। लेकिन भैया सच्चाई तो ये भी ना, आप तो 2 मैचेस की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ केएल राहुल आपका वर्ल्ड कप मिस कर रहे हैं, एशिया का पूरा टूर्नामेंट बार हो गए, क्योंकि जो हमने विकेट कीपिंग उनकी देखी है और जो अजीत अगरकर ने रोहित शर्मा ने बोला था कि केएल राहुल की जगह अगर विकेट कीपिंग करेंगे तो बनती है। और आपको भी पता है कि यार 2-4-5 दिन में 50 ओवर के लिए विकेट कीपिंग आप ठीक कर नहीं सकते,
क्योंकि हमने देख लिया, आज भी मैंने जो उनकी प्रैक्टिस के विजुअल्स आए वहां पर भी देखी मैंने, वहां पर विकेट कीपिंग के मतलब वो सिर्फ एक नॉर्मल लाइट प्रैक्टिस होती है ना विकेट कीपिंग की, आप वो कर रहे हो, अभी तक उन्होंने एक डाइव वाली प्रैक्टिस नहीं करी। और आपने रिजवान की विकेट कीपिंग देखी थी वहां पर कोलंबो में, जब अनइवन बाउंस था, कई तगड़ी विकेट कीपिंग थी, तो हम उस लेवल की विकेट कीपिंग नहीं कर सकते। ये मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड कप भी खेलेगी आपकी राहुल द्रविड़, लेकिन श्योर है कि बस दो ही मैच है भैया। राहुल द्रविड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा है कि वी आर श्योर कि ओनली फॉर टू गेम्स। नहीं देखो, राहुल द्रविड़ कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ऐसे आपको खबर नहीं देते हैं, वो आपको पढ़ना पड़ता है बिटवीन द लाइंस, या आपको डॉट्स कनेक्ट करने पड़ते हैं, आपको खुद देखना पड़ता है चीजें किस हिसाब से हो रही हैं। क्योंकि मुझे आज भी याद है जब मैंने पिछली बार एशिया कप में वहां उनसे पूछा था कि जडेजा पर क्या है, तो उन्होंने कहा वी स्टिल होपफुल फॉर जडेजा विल मेक अ कमबैक इनटू द वर्ल्ड कप, वी डोंट हैव, मतलब इस तरीके से उन्होंने घुमा फिरा के जवाब दिया, जबकि दुनिया ये जानती थी कि जडेजा अब वापसी नहीं कर पाएंगे। तो राहुल द्रविड़ जब कोई बात कहते तो आप, हम ये भी कह सकते हैं कि यार इन्होंने जो कह दिया ये एज इट इज होगा, आपको उसके थोड़ा सा इधर देखना पड़ता है, उधर देखना पड़ता है, केएल राहुल क्या कर रहे हैं आपको वो देखना पड़ता है। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि 10 तारीख वाला गेम, अगर कहीं ये खबर आती है कि भाई 10 तारीख वाला गेम भी वो मिस कर रहे हैं, तो फिर अगले एक हफ्ते में कोई चमत्कार नहीं हो जाएगा। तो रोहित भैया तारीख को फाइनल, तो रोहित भैया तीन तारीख को ये वर्ल्ड कप स्क्वाड घोषित कर रहे हैं और 4 को यहाँ राहुल पे हमें पता चलेगा एशिया कप में राहुल आगे बने रहेंगे या नहीं, तो क्या वर्ल्ड कप स्क्वाड में हम इंजर्ड राहुल को देख रहे हैं शामिल? यार सब्जेक्ट टू फिटनेस हो सकता है मेरे हिसाब से, अगर टीम को ये लगेगा कि भाई अभी जैसे देखो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा नहीं रखा कि उन्होंने अनफिट केएल राहुल को डिक्लेयर किया, उन्होंने ये कहा कि निगल है, उन्होंने कम से कम ये क्लैरिटी दी आपको, ये नहीं कहा कि केएल राहुल इज आल्सो फिट, और अब लास्ट टाइम पर आकर बोलते थे कि केएल राहुल को एक निगल है तो भी हम क्या करते। कई बार ऐसा भी हुआ है, कई बार रिपोर्ट्स इस तरीके से भी आई है कि आपको उस समय पर नहीं बताया गया और आपको एट द वेरी लास्ट मोमेंट बताया गया, जैसे हमें हार्दिक पांड्या की इंजरी के साथ याद है 2021 वर्ल्ड कप में, वो क्लैरिटी नहीं मिली थी वहां पर चेतन शर्मा साहब ने, लेकिन यहाँ पर कम से कम आपको पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आई उसमें क्लैरिटी मिली और आज फिर एक बार और क्लैरिटी मिली है। तो अगर सब्जेक्ट टू फिटनेस के लिहाज से आप कई बार सेलेक्ट कर लेते हो खिलाड़ियों को, तो सब्जेक्ट टू फिटनेस के लिहाज से अभी भी आपके पास इतना वक्त है कि भाई आप ये कह सको कि हाँ यार अगर आपको 20 दिन चाहिए तो 20 दिन दे सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको फिर एशिया कप को साइड करना पड़ेगा। लेकिन भाई एक चीज बताइए ना, जैसे हमारी पहले बातचीत चली थी जिस दिन टीम आई थी, स्क्वाड आया था, उस दिन आपसे भी बातचीत हुई थी, तो आप भी कह रहे थे कि यार उस दिन तो कि आपके संजू टीम में आ सकते हैं अगर केएल राहुल को वहां पर कुछ होता है तो, और क्योंकि उसके पीछे वजह बताई थी आपने कि ईशान किशन को उन्होंने एज अ ओपनर देखा है, बैकअप ओपनर, और जो अजीत अग्रवाल ने बोला था, रोहित शर्मा ने बोला था, यही बोला था कि यार हमारे जो बैकअप ओपनर है वो ईशान किशन है, और अगर हम केएल राहुल या श्रेयस अय्यर की जगह किसी को भी ट्राई करते हैं तो वहां पर संजू सैमसन आएंगे। लेकिन जो अब चीजें हमारी समझ में आ रही है साफ तौर पर यही कि ईशान किशन ही है, तो सवाल यही भी उठता है कि भाई तिलक का वहां पर क्या रोल है, और जो सुनील ओबे भी कह रहे थे उस दिन की आपने तो वहां पर सिर्फ आपने पागल बना दिया पब्लिक का उन्हें 18 में रख के।